गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू रासा इंटरनेशनल स्कूल। टुडे इज आवर चैप्टर फॉर क्लास 8th, चैप्टर 18, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड एंड सॉइल। एंड टुडे वी हैव टॉपिक्स टू डिस्कस लैंड यूज। आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 8th के लिए है, चैप्टर 18, भूगोल। और आज हम इसमें बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत, भूमि और मृदा। और आज का जो हमारा विषय है वो है भूमि का प्रयोग। प्लीज लुक एट द पेज नंबर 160। सो वी हैव टॉपिक टू डिस्कस लैंड यूज। व्हेन वी यूज द लैंड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेस, इट इज कॉल्ड द लैंड यूज एंड लैंड यूटिलाइजेशन। हम मतलब लैंड यूज क्या है, भूमि का प्रयोग। जब हम जमीन को या भूमि को इस तरीके से प्रयोग करते हैं कि हम उसमें एग्रीकल्चर है ना, फॉरेस्ट या माइनिंग, खुदाई करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भूमि का प्रयोग। लैंड यूज एंड लैंड यूटिलाइजेशन मतलब हम लैंड को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। द यूजेस ऑफ लैंड ऑल्सो डिटरमाइन द फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेबिलिटीज ऑफ वाटर। ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेट्स एंड ऑफ लैंड यूज पैटर्न। लैंड मे बी ऑफ टू टाइप्स बेसिक ऑफ ओनरशिप। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो लैंड का यूज होता है ना, उसके जो फैक्टर होते हैं वो टोपोग्राफी होती है, मतलब जमीन का ऊंचा नीचा होना, किस तरीके से उसकी जो मतलब जो जमीन की बनावट है वो है, वहाँ की जो सॉइल है, ये जो इसके मेन फैक्टर है, सॉइल हो जाएगा, फिर एक क्लाइमेट हो जाएगा। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी समझा था कि डिस्ट्रीब्यूशन, जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके बिहाफ पे होता है, वो सॉइल के बिहाफ पे होता है, क्लाइमेट के बिहाफ पे होता है ना। और मिनरल्स और अवेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब जितनी अच्छी सॉइल होगी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जितना अच्छा क्लाइमेट होगा उतनी अच्छी पॉपुलेशन होगी, और जैसे जैसे मतलब वहाँ पे जो मिट्टी, जो क्लाइमेट, पानी की अवेबिलिटीज होगी तो अभी वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी। अब ह्यूमन फैक्टर में जो है वो एक पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भाई अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन के साथ वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। तो अब देखिए जो लैंड है इसके जो फैक्टर हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं प्राइवेट लैंड, भाई प्राइवेट लैंड क्या होता है, व्हेन अ पीस ऑफ लैंड इज ओन बाय अ पर्सन इट इज कॉल्ड प्राइवेट लैंड। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर लैंड, कैटल फॉर्म आर अ प्राइवेट लैंड। भाई प्राइवेट मतलब क्या होता है, निजी भूमि। अगर किसी की मतलब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेट लैंड की, तो प्राइवेट लैंड क्या है, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल हमारी अपनी पर्सनल है। प्राइवेट लैंड क्या, जो हमारी बिल्कुल पर्सनल है। तो अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कि एक इंसान के जरिए चलाया जाता है, उसका जो ओनर है वो सिंगल पर्सन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्राइवेट लैंड, मतलब बिल्कुल सिंगल पर्सन। द लैंड विच इज़ ओन्ड बाई अ सिंगल पर्सन इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट लैंड, है ना। अब जैसे किसी की खेत की ज़मीन है, एग्रीकल्चर है, कैटल फॉर्म है, प्राइवेट लैंड मतलब मेरा, जैसे किसी का घर है प्राइवेट लैंड है तो वो प्राइवेट लैंड के लाइक। जैसे किसी का घर, हमारा घर, हमारा अपना खुद का घर है, किराए का घर नहीं है, तो वो प्राइवेट लैंड हो गई। एक ऐसी बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसका मालिक एक है, है ना, तो क्या हो गया, ये सब कहलाएगा प्राइवेट लैंड। जैसे किसी का खेत है, अब वो खेत उसका अपना पर्सनल है, तो वो प्राइवेट लैंड कहलाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें कम्युनिटी लैंड, है ना। तो इट इज ओन्ड बाय द ऑल मेंबर ऑफ कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्शंस ऑफ फोडर्स, फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिसिनल हर्ब, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब देखिए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होती है, जिसके एक से ज्यादा ओनर हो। कोई अगर बिल्डिंग है उसका एक ओनर ना हो के उसके चार या पांच ओनर होंगे तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी लैंड, मतलब वो सबके लिए है, ठीक है। जैसे कि पब्लिक पार्क, जो पब्लिक पार्क होते हैं ना, जो उस पार्क में जाके कोई भी बैठ जाए तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी लैंड। जैसे हम अपने घर की बिल्डिंग से बाहर निकले, भाई ये घर की बिल्डिंग है, ठीक है, और घर की बिल्डिंग के बाहर क्या है, एक पार्क बना होता है, ठीक है। वो पार्क किसी का अपना पर्सनल नहीं होता, घर के अंदर का जो फ्लैट होता है वो सबका होता है, लेकिन जो ये पार्क होता है ना वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कम्युनिटी लैंड। द अमाउंट ऑफ टोटल एंड अवेलेबल टू एक्सट्रीमली लिमिटेड ऑन द अर्थ सर्फेस टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द लैंड इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर प्रॉपर प्लान ऑफ द लैंड यूज। मतलब अगर हमें लैंड का यूज करना है तो हमें उसके लिए पूरी तरीके से प्लानिंग करनी है कि किस लैंड का हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, हमें जो जमीन है, जो भूमि है, उसका हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए जो लैंड है वो मेन है, वो प्राइमरी फैक्टर है प्रोडक्शन का। अगर हम कोई काम भी करना चाहते हैं तो लैंड क्या है, लैंड एक प्राइमरी प्रोडक्शन है भाई, प्राइमरी फैक्टर है बिल्कुल। क्या है लैंड, सबसे पहली जरूरत है। अगर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहली जरूरत क्या होती है, लैंड, क्योंकि ये फिक्स होता है और इसके ऊपर हम सारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज करते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया,
क्योंकि अगर हम इस पर बात करते हैं तो भूमि का जो प्रयोग है वो इंडिया में किस तरीके से होता है. द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बट द लैंड यूज डेटा इज अवेलेबल ओनली द 93% एज लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑक्यूपाइड द पाकिस्तान चाइना हैव नॉट बीन सर्वेड इंडियन लैंड हैज बीन पुट टू यूज ऑफ सेवरल फॉलोइंग पर्पस. अब देखिए यहाँ पर जो हम बात करते हैं ना वो टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है भाई 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. कितना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये इंडिया का जो है ये एक टोटल जियोग्राफिकल एरिया है. मतलब हमारा इतना एरिया जो है इंडिया के पास वर्ल्ड में है. बट द लैंड यूज डेटा अवेलेबल ओनली द 93% एज लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान एंड चाइना हैव नॉट बीन सर्वेड. मतलब अभी तक जो हमारे पास जो एक डेटा है ये कहाँ का डेटा है ये नॉर्थ ईस्ट का डेटा है नॉर्दर्न पार्ट का. लेकिन पाकिस्तान और चाइना के पास जो जमीन है उसका डेटा हमारे पास नहीं है. इंडिया लैंड हैज़ बीन पुट टू यूज़ ऑफ सेवरल फॉरेन पर्पस. अब इंडिया का जो यूज़ है लैंड का वो देखिए क्या क्या होता है. देखिए फॉरेस्ट में जो इसका एक डेटा है फॉरेस्ट में जो डेटा है इसका वो फॉरेस्ट में कितना है भाई 22.57%. ठीक है मतलब जो जंगल हैं वो इंडिया में कितने हैं 22.57%. ठीक है अब अगर हम बात करते हैं बैरन एंड वेस्ट एंड मतलब ऐसी जगह जो बंजर है जो सूखी है उसका उसके पास कितना है 29.6.29%. ठीक है एरिया अंडर द नॉन एग्रीकल्चर यूज मतलब ऐसा एरिया जिसमें कोई खेती नहीं होती तो वो कितना है भाई वो 7.92%. तो और देखिए द परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड ऐसा एरिया जो मतलब वहाँ परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड मतलब जहाँ पे मतलब खेती बाड़ी और ग्रेजिंग होती है तो ये वाला ये जो एरिया ये क्या कहलाएगा ये कितना है ये 3.45%. ठीक है और हम बात करते हैं अंडर एरिया मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स मतलब ऐसे एरिया मतलब जहाँ पर मतलब पेड़ पौधे होते हैं तो वो कितना है 1.10%. और अगर हम बात करते हैं फेलोज अदर देन द करंट फेलोज 4.41%. अब अगर हम बात करते हैं करंट फेलो मतलब अभी अब कितनी है मतलब 0.03% नेट सोन एरिया जो हमारे पास बिल्कुल जो नेट सोन एरिया है वो क्या होता है वो एरिया देखिए वो कितना है 43.41%. तो ये था इसका एक डेटा. वी हैव शेयर अवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू विद द फ्यूचर जनरेशन टू. 95% of our basic need of food, shelter, clothing are obtained from the land. People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. जितनी भी जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो सारी की सारी पॉसिबल कहाँ पर है लैंड पे. देखिए जैसे कार चलना है ना अगर हम बात करते हैं ये एक्टिविटीज ये देखिए कार का चलना घर बनाना है ना ये जितने भी ये सब काम हो रहा है फैक्ट्रीज लगाना है ना माइनिंग करना ट्रेन चल रही है ना जो हम गाय भैंस पाल रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटीज फार्म एक्टिविटीज नॉन फार्म एक्टिविटीज ये जितनी भी जो एक एक्टिविटीज है ये सारी एक्टिविटीज ये कहाँ पर पॉसिबल है लैंड पे. तो हमें लैंड का यूटिलाइज इस तरीके से करना है कि हमें आने वाली जनरेशन को इसको देना है बचा के रखना है. और देखिए लैंड हमेशा से क्या होती है लैंड जो है वो फिक्स होती है भाई लैंड ना तो घटेगी और ना बढ़ेगी. तो उसकी जो एक फिक्स है उसकी अवेलेबिलिटी एक फिक्स है जो जगह फिक्स है वो फिक्स है. मेरा घर मैंने फिर बोला मेरा घर अगर जितना बड़ा है वो उतना ही रहेगा मतलब 200 गज का 100 गज का 50 गज का वो इतना ही रहेगा उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं. ठीक है तो लैंड जो है वो फिक्स है. तो इसीलिए हमें लैंड का जो यूटिलाइज है वो बहुत सोच समझ के करना है लैंड को डिग्रेड नहीं करना है ख़राब नहीं करना. Today the vast change in land and the pattern also reflect the culture change in our life. Human activities have not only brought about the degradation of land but have also the aggravative pace of the natural force to cause damage to land. Land degradation, landslides, soil erosions, desertifications are the major threat of the environment because of the expansion of agriculture construction activities. Ab dekhiye jo human activities hai जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जो लैंड को डिग्रेड कर रही है. मैंने आपको ही बताया था हमें लैंड को यूटिलाइज करना है लैंड को सेफ होकर चलना है ताकि हम अपनी जनरेशन को दे सके आने वाली जनरेशन को. अगर हम लैंड को ख़राब कर देंगे तो क्या होगा हमें आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है जिससे लैंड डिग्रेड हो रही है ख़राब हो रही है. ठीक है और अगर ये लैंड इस तरीके से ख़राब होती रहेगी तो
हम ये जितनी भी एक्टिविटीज देख रहे हैं ये कोई भी एक्टिविटीज नहीं हो पाएगी। मतलब अगर हमने लैंड को ख़राब कर लिया तो वह घर नहीं बन पाएंगे, अगर एग्रीकल्चर होना बंद हो गया उस जगह पर तो खेती बाड़ी कम हो गई तो खाने पीने की चीज़ों में कमी आएगी, ठीक है। तो हर चीज़ हर एक चीज़ को इफेक्ट करती है, तो हमें लैंड को बहुत ही समझदारी से यूटिलाइज करना है और उसका सही यूज़ करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वी विल अपलोड सम मोर न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।